बिग बॉस कितने पब्लिकेशंस को पहचानती हैं आप? शायद तो सबको बिग बॉस सामने बैठे हुए किसी को भी नहीं। जिग्ना वोरा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और बिग बॉस के इस नए आलिशान मोहल्ले में मैं आपका प्रेस का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार मैं अलग हूं, मैं बायस्ड हूं, इसलिए इकलौती जिग्ना के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहा हूं। पर मैं जानता हूं कि आप बिल्कुल बायस नहीं हैं। आपके मन में कुछ सवाल हैं और आप उनके जवाब जिग्ना से सुनना ही चाहेंगे, तो आप आ गए हैं और जिग्ना भी आ गई है। चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। मेरे फेवरेट प्रेस के साथियों, द स्टेज इज ऑल योर्स, ओवर टू यू। थैंक यू बिग बॉस, एंड दिस इज आरजे दिव्य सोलगामा फ्रॉम रेडियो नशा एंड बॉलीवुड स्पाय। સૌથી પહેલા તો કેમ છો જિગ્ના? એકદમ અત્યાર સુધી તો ફર્સ્ટ ક્લાસ, હવે તમારા સાથે શું થશે એ ખબર નથી. સો બીંગ અ ગુજરાતી, લેટ મી ટેલ યુ, યુ નો વી ઓલ આર પ્રાઉડ ઓફ યોર જર્ની. ફાઇનલી યુ ઓલ આર પ્રાઉડ ઓફ, યસ, વેરી ગુડ. મેને આપકી કિતાબ પઢી થી, બિહાઇન્ડ ધ બાર્સ ઇન બાઇકલા, તો ઉસમે આપને બહોત સારે હોરિફાઈંગ ઇન્સિડન્સિસ કે બારે મે બતાયે થે જો આપકે સાથ હુએ થે જેલ કે અંદર. ઇનફેક્ટ જબ પઢ રહે થે તભી ભી રોંગટે ખડે હો ગયે થે કે યુ નો ભગવાન કરે કિસી કે સાથ ભી એસા ના હો જો ટોર્ચર આપકે સાથ હુઆ થા, જિસ તરહ કો આપકો બુલી કિયા ગયા થા, વો સબ જો હુઆ થા. આઈ એમ શ્યોર આજ યાદે ધુંધલી હો ગઈ હોગી, લેકિન વો સ્કાર્સ હોંગે, વો યુ નો કહીં ના કહીં હોન્ટ કરતે હોંગે. વો કૌન સી એસી એક દો બાત હે જો ઇતને સાલ નિકલ ગયે ફિર ભી વો આપ ભૂલ નહીં પાયે? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. और फाइनली, हालांकि आज ये एंटरटेनमेंट वाले मीडिया है, सब मेन स्ट्रीम वाले तो नहीं है, आज जैसी भी हूँ, जहाँ भी हूँ, आप लोग की वजह से हूँ. 2011 से लेके अब तक मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है, वहाँ पहुँचाने के लिए भी और यहाँ पहुँचाने के लिए भी. सो ये सरकाजम सुन समझो या कुछ भी समझो, आई एम थैंकफुल, मैं बहुत शुक्रिया हूँ. और सबसे बड़ा इंसिडेंट अगर आप बोलो कि क्या ऐसा है जो आपके क्वेश्चन थे, आप गुजराती हो जी, आपको बुक, जैसे आपने बोला आपने बुक पढ़ी, बुक में काफी इंसिडेंट लिखे हैं. अभी हम लोग घर में बैठे बैठे, अभी ये फैमिली हो गई है घर में, तो काफ़ी लोग को नहीं कुछ पता मेरे बारे में, तो दो तीन ऐसे इंसिडेंट मैं जस्ट नरेट कर रही थी जो दिमाग से नहीं निकल पाते, शायद दिमाग से निकल जाते, दिल से नहीं निकल जाता. एक तो मीडिया का बिहेवियर, जो मीडिया ने अपने रंग बदले वो टाइम पे और आज के टाइम पे, वो नहीं भूल सकती मैं. और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, जैसो कि बहुत कुछ सीखा इसमें से हमने. આપણામાં કહેવાય છે ને, બાર વર્ષે બાવો બોલો, સો દેટ્સ ઇટ. ધીસ ઇઝ અ ગુજરાતી પ્રોવર્બ વોટ વી ટોક અબાઉટ. યસ, દેર આર મેની, બહોત સારા એસે ઇન્સિડન્ટ્સ હૈ. જેલ મેં મેરી સબસે પહેલી એન્ટ્રી જો બુક મેં આપને પઢી હોંગી, વો કિસી ભી લીએ, મેલ યા ફીમેલ કી બાત આતી હી નહીં હૈ, કિસી કે લીએ, કોઈ ભી ઇન્સાન કે લીએ બહોત હ્યુમિલેટિંગ હોતી હૈ. तो मैं ये तो नहीं बोल सकती हूँ कि सबको जाना चाहिए जेल में और वो एक्सपीरियंस करना चाहिए, बट वो इंसिडेंट बहुत बहुत ही ह्यूमिलेटिंग होता है. और सेकेंड इंसिडेंट, तीन इंसिडेंट है, आपने मुझे दो ही बोला बट मैं मेरी तरफ से एक ऐड करती हूँ. सेकेंड इंसिडेंट, जब मेरा लड़का मुझे जेल में मिलने आया था, जिस दिन उसने मुझे बोला, अरेस्ट के 15-20 दिन के बाद वो क्रिसमस वैकेशन में हॉस्टल से आया था, उसने मुझे बोला, मम्मा तू कभी ये सब कर ही नहीं सकती है, मुझे पता है. उस दिन से मैंने समझ गया कि मुझे दुनिया को या प्रेस को कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी जस्टिफाई करने की. आज बिग बॉस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू बिग बॉस कि काफ़ी चीज़ें जो मैं इतने साल से मीडिया को नहीं कह पाई वो कह सकती हूँ. ये सेकेंड इंसिडेंट था. और थर्ड इंसिडेंट, जब मैं कस्टडी में थी तभी मेरे नाना 90 साल के थे वो टाइम पे,
मैं क्राइम ब्रांच के पहले माले के एक विंडो से उनको देख रही थी, वो मुझे मिलके परमिशन के साथ आए थे मिलने, तो ये भी नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई फेवर मिला, क्योंकि मेरा अच्छा कनेक्शन था, ऐसा कुछ नहीं था। और घर से मुझे लगता है कपड़े देने आए थे, कपड़े देके वो जा रहे थे, हाथ में लाठी था, तो जो मैं जो बिल्डिंग में थी कस्टडी में, वहाँ से मेन गेट कुछ 500-600 मीटर का है, 90 साल का आदमी आप लोग समझ सकते हो कैसे चलता है लाठी के साथ। वो टाइम पे भी मीडिया ने, वो चल रहे थे और एक पत्रकार जो बहुत फेमस था उसने उनका वीडियो ले रहा था, ये ह्यूमिलेटिंग था मेरे लिए। ऐसे है बहुत सारे, रात बीत जाएगी, सो बट यस, ये 3-4 इंसिडेंट बहुत इम्पैक्ट वाले। गॉड गिव्स यू स्ट्रेंथ एंड इफ यू नीड अ वाटर प्लीज डू। नो नो, थैंक यू सो मच जिगना। दिस इज अमित त्यागी फ्रॉम आज तक। और मुझे याद है कि आपके साथ मैं खड़ा होता था जब आपको मैंने सबसे पहले अपना करियर शुरू किया था मैंने, एंड आप मेरे साथ एज अ रिपोर्टर थी। आज मैं आपका इंटरव्यू एज एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट, आई एम वेरी प्राउड टू बी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट। मुझे आपकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मेन स्ट्रीम आपने बोला, एंटरटेनमेंट वालों की वजह से ही आज ये हो रहा है शो। एंटरटेनमेंट मैंने मेन स्ट्रीम बोला, मेन स्ट्रीम वाले यहाँ पे नहीं है, आपको तो शुक्रिया करना चाहिए, वो भी बोला कि बिग बॉस की वजह से आप लोग इधर हो, ये भी बोला जी। तुम पता नहीं ऐसा मैं एंटरटेनमेंट मेन स्ट्रीम बहुत ज्यादा एज एन एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट आई हैव बीन लिसनिंग, बट इट्स बाय चॉइस, आई लव एंटरटेनमेंट बिकॉज हमारे देश को आज वो जरूरत है। खैर मेरा सवाल इस बारे में कि आपने शो में एंट्री ली तो आपने कहा कि मैं विक्टिम कार्ड नहीं, मैं वॉरियर कार्ड खेलूंगी। सबसे पहले आपने खेला, आपकी सीरीज भी हमने देखी, उसमें काफ़ी कुछ हकीकत थी, थोड़ा फंसाना था, लेकिन सच थोड़ा सा आप खुल के नहीं बोल रही हैं। जैसे कि हमने सीरीज में भी देखा था, आपका एक पुलिसमैन आपके ज़िंदगी में थे, लेकिन जब आपकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद आपने उनसे दूरी बना ली, तो क्या वजह थी? उस सच को मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि वो पर्सनल लाइफ आपकी, थोड़ा बताएं क्या कुछ हुआ। एक तो बिग बॉस का रूल है, पास्ट को बात नहीं करनी है, भूतकाल में जाना नहीं है, खुद बिग बॉस ने ये रूल बनाया है, वर्तमान में रहिए। जो इंसान वर्तमान में है ही नहीं तो उसको क्यों बीच में लाना, ठीक है? That's it. That's all the best. Thank you. Hi, Jigna. Hi. Hello. Am I audible? Okay. Hi, this is Neha from Bombay Times. Jigna, मेरा सवाल आपसे ये है, बिग बॉस 17 में पार्टिसिपेट करना, क्या ये एक सोची समझी रणनीति या एक अच्छा मूव बोल सकते हैं? बिकॉज हाल ही में जैसा कि अमित ने बोला कि आपकी एक सीरीज आई है जो विच इज़ बेस्ड ऑन योर लाइफ, आपके जो आपने चैलेंजेस फेस किए हैं प्रोफेशनल लाइफ में उसके बारे में, और एक तरीके से एक किरदार को पाक साफ जो बोलते हैं वाइट वॉशिंग वो भी दी गई है इन दैट सेंस, तो एक सिंपथी भी आपको मिल गई है, आप वापस चर्चा में आ गई हैं, जनता की सिंपथी मिल गई है, प्लस अंदर भी जैसे आपने भी मेंशन किया, आप अंदर भी अपने वाक्यात सुनाती हैं लोगों को, तो वहाँ से भी कोई अटैक या नेगेटिव कोई भी पॉइंट्स नहीं बोलेगा, बिकॉज सीरीज में आपको इतना अच्छा दिखाया गया, आप अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बता रही हैं जो कि अगेन पाक साफ होगी, नॉट नेगेटिव एट ऑल। हाँ, तो आपका क्वेश्चन, तो मेरा सवाल यही था कि बिग बॉस 17 चुनना आने के लिए सोची समझी रणनीति है, अच्छा मूव है आपके लिए, वर्किंग इन योर फेवर? ये एक तो पहले बिग बॉस को पूछना चाहिए कि उन्होंने मुझे क्यों चुना और मैंने क्यों हाँ बोला। लाइफ में हर एक मोड आता है जब कोई डिसीजन हमें लेना पड़ता है, एंड मे बी ये एक ऐसा रियलिटी शो है जो मेरी बुक मैंने लिखी जो 100 लोगों ने पढ़ी होगी, वेब सीरीज जितने लिखी वो 10,000, मतलब वेब सीरीज 10,000 लोग ने देखी होगी, बट मुझे मालूम है ये 130 करोड़ लोग देखेंगे। उनको सच जानना चाहिए कि जिगना वोरा कौन है। अगर आप पे मर्डरर का लेबल लगता है, आप में किसी की आइटम का लेबल लगता है, आप में अंडरवर्ल्ड का लेबल लगता है, तो 24 घंटा आप देख सकते हो कि मैं कौन हूँ। और वेब सीरीज की वजह से हूँ या नहीं हूँ वो मैं नहीं जानना चाहती, क्योंकि फिलहाल जैसे भूतकाल मेरे को देखना नहीं है, ये इसमें कुछ राजनीति नहीं है, मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं जा रही हूँ यहाँ से बाहर निकल के, सो उसकी भी ट्रेनिंग नहीं है। ये मुझे अपने आप को, लोग आज मुझे स्ट्रांग वुमन बोलते हैं, लोग मुझे आज इंस्पिरेशन बोलते हैं। वेब सीरीज में जो कैरेक्टर दिखाया गया और जो एक्टरेस ने वो किरदार निभाया, उससे सब लोग को लगता है कि मैं स्ट्रांग और इंस्पिरेशन के लायक हूँ। तो आज मैं ये प्लेटफॉर्म से ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं सच में स्ट्रांग हूँ और सच में इंस्पिरेशन के काबिल हूँ, कि आज आप एक औरत होके मेरे मेरे कैरेक्टर से, जो पहले मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ,
और आज ये ट्रांसफॉर्मेशन है उससे आप सबको इंस्पायर होना ही चाहिए। हाय जिग्ना, मैं आकाश हूँ नवभारत न्यूज़पेपर से। जिग्ना, मेरा सवाल आपसे ये है कि अपने जर्नलिज्म करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको लगता है कि जो फैसले आपने लिए, जो रास्ते आपने चुने, कहीं ना कहीं उसने ही आपके करियर को बर्बाद किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रिग्रेट महसूस होता है कहीं ना कहीं? आज नहीं लग रहा है कि करियर बर्बाद हुआ। आज ये प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मुझे नहीं लगता और मैंने ऐसे कुछ डिसीजन लिए ही नहीं थे तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। हाय जिग्ना, दिस इज हीना कुमावत फ्रॉम फिल्म विंडो। क्राइम रिपोर्टर और क्राइम की दुनिया, जिसको आपके समय में अंडरवर्ल्ड कहा जाता था, खबरों की लेन देन सोच से बात करना एक आम बात है, आप ही नहीं बहुत सारे लोग करते थे उस जमाने में, तो आपको लगता है लेकिन जब भी एक कनेक्शन होता है तो एक अनसेड रूल है कि एक लक्ष्मण रेखा है जिसको क्रॉस नहीं करना। आपको लगता है कि जाने अनजाने में क्या आपसे उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हुआ जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, या आप ही क्यों? पहले तो मैंने लाइन क्रॉस की कि नहीं, शायद आप लोग अपना प्रिपरेशन ढंग से करके नहीं आए, इसलिए मैंने कहा कि जाने अनजाने में आपको नहीं, इतने साल बाद जाने अनजाने की भी बात नहीं है। आप लोग को मेरा जज चार्जशीट, बेल ऑर्डर और जजमेंट पढ़ के आना चाहिए था। बेल ऑर्डर में क्लियरली लिखा गया था कि आई हैव नॉट क्रॉस्ड एनी लिमिट्स, तो वो क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको दे दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सॉरी कुछ कनेक्टेड था, या कि आपको इतने साल बाद लगता है कि आपको किस चीज का फिर खामियाजा भुगतना पड़ा और आप ही क्यों, क्योंकि बात तो बहुत सारे लोग करते थे। सही बात है।